गई ट्रेन आ गई सारी मनुखता क्योंकि वो गुरु मनुखता दे सी उन्होंने बाणी बराबरता का सुनेहा दी है बराबरता का अज तुसी हर साल की तरह जाने प्रेरणा लैके वाराणसी गुरु प्रति विश्वास गुरु प्रति श्रद्धा जिहड़ी है उहदा संकेत है। मेरे कोले सारी कमेटी आई सी और मैं इन्हें यही कहा सी कि मैं खुद आऊंगा और मैं यही अरदास करूंगा परमात्मा अगे कि जिहड़ी संगत दा विश्वास जो इच्छावां लैके जो श्रद्धा लैके तुसीं जा रहे हो वो गुरुदास जी पूरी करन और सारा मीडिया खड़ा है जलंधर का। मैं भी कहना चाहूंगा कि ये किसी एक फिरके का प्रोग्राम नहीं एक वर्ग का प्रोग्राम नहीं सारयां दा प्रोग्राम क्योंकि सर्वसांझी गुरबाणी दे विच श्री गुरुदास जी की जिहड़ी बाणी है जदों भी तुसी कोई उहदे चों पंक्तियां पढ़ोगे बराबरता का संदेश ही मिलेगा भुखे अन्न खवाने का संदेश मिलेगा गरीब गुरबे लतड़े है ऊपर उठाने का संदेश मिलेगा। जदों 16 मार्च को असी खटकर कलां विखे सहु चुकी पंजाब की नवी सरकार जी बनाई है तो अपनी सरकार
असि उस दिन फैसला किया। आम तौर पर की होंगे सरकारी दफ्तर पंजाब जो मुख्यमंत्री बदल जाता है तो फोटो बदल जाए ने तो नवे मुख्यमंत्री फोटो लग जाए ने। असि उस दिन फैसला किया मेरी फोटो नहीं लगूंगी किसी सरकारी दफ्तर च, मेरे दफ्तर च भी उत्थे शहीद भगत सिंह ते डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की फोटो लगूगी जिन्होंने सानूं संविधान दिता। तुसीं देख सकते होंगे दफ्तर के भी जाते रहते होंगे और सख्ती नाल असीं कहा एक शहीद भगत सिंह है जिन्होंने आजादी लैके आने च योगदान दिता, दूजा ने आजादी नूं संभालण लई संविधान लिखिया बराबरता। अजिहे करके MLA साहब सारे साडे जिन्ने भी खड़े ने जिहदे करके मंत्री बने हुए ने जिहदे करके देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बहुत बड़े बड़े पदवियां ते पहुंचदे हैं। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सुपना सी, उन्होंने सुपना सी एजुकेशन का और उन्होंने आप खुद विदेशों जाके PhD की PhD पढ़ना बहुत औखा सी, घर के हालात ठीक नहीं सी, घरे आते थोड़े पैसे जमा करते फिर जाते तो उन्होंने हमेशा एजुकेशन तरजीह दी। तरजीह साड़ी है पंजाब की सिक्ख्या का क्रांतिकारी जिहड़ा सी पाया पलट करांगे, गरीबों के बच्चे जिहड़े पढ़नगे। दिल्ली के क्रांतिकारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने एक मजदूर का बच्चा, एक रिक्शे का बच्चा, एक जज का बच्चा इको बेंच से बह के पढ़न ला पे, इको किताब पढ़न ला पे। जब गरीबों के बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, वकील बन रहे हैं, जदों तुहाडे बच्चे पढ़ जाएंगे वो थोड़ी गरीबी चकनगे, और कोई थोड़ी गरीबी चक नहीं सकता। वैसे नारे जो मर्जी दे जाने असं गरीबी हटा देंगे ना, जिन्ना चिर सिक्ख्या नहीं आती। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सुपना जोड़ा अधूरा सी उन्होंने पूरा करने वास्ते असं लगे हुए हैं। स्कूल ऑफ एमिनेंस भी होंगे, हेल्थ के भी आ रहे हैं। मैं थानू सर संत निरंजन दास जी मैं कोई पहली बार नहीं मिला, जो आप अखा मिली सा एक दूजे ने दोनों का स्माइलिंग फेस ना सामना होया क्योंकि दिल साफ है, उधर तो दिल साफ है ही है, साड़ी भी नीयत साफ है, दिल साफ है। जिन्ना चिर तुसी विश्वास करते रहोगे गरीबों के हक च तुहाडे द्वारा दिता होया पेन चलता रहेगा और चलता रहेगा। परमात्मा अगे यही अरदास करते हैं, श्री गुरु रविदास जी अगे यही अरदास करते हैं कि सानू बल बख्शी, शक्ति बख्शी, कोई गलत जगह पर पंजाब के जोड़े लोगों के हक के फैसले हो, कोई गलत फैसला ना सब हो जाए, क्योंकि जे सानू गुरुआ की पीर की शहीदों की जी प्रेरणा है तो साड़ी मिट्टी है, असं हर रोज उस धरती का पानी पीने। तो मैं थोनों सारा ही विश्वास दवाना, मेरे तक यकीन रखियो एक भी बच्चा इस करके कि वो को फीस नहीं, इस करके कि वो को सइकल नहीं, इस करके कोई कोई स्कूल जाने वास्ते बस नहीं सी, इस करके अनपढ़ नहीं रहेगा। गरीबों के बच्चों को पढ़ावे, स्कूल नंबर वन बनावे, मर्जी थोड़ी होगी प्राइवेट पढ़ाना प्राइवेट पढ़ा लो, सरकारी च पढ़ाना सरकारी च पढ़ा लो, पढ़ाई एक जी होगी। हाँ उधर फीस लगेगी, इधर फीस भी नहीं लगनी, इधर तो बस सिर्फ बच्चे स्कूल ऑफ एमिनेंस बनावे। बच्चा जिसे पास जाना चाहता उन्होंने उतले पास लेके जावे, जो बच्चा खिलाड़ी बनना चाहता नौवीं क्लास तो उन्होंने कोचिंग देनी शुरू करा, जो बच्चा डॉक्टर बनना चाहता नौवीं दसवीं क्लास तो डॉक्टरी वाल लेके जावे। यही है कि वो थप्पी है अपना कि पुत तो आही बनना है, वो बच्चे का इंट्रस्ट कई बार नहीं होंगे उस पास। सो इस करके जा रहे हो उस मुकदस उस पवित्र जगह पर, मेरे वालों भी मत्था टेकना है और मैं 5 तरीक को भी इतने भी दोबारे भी आऊंगा, जिनी बारी कहूंगे आऊंगा, क्योंकि मैं तो यही कहना हूं कि जेडे समाज के दबे कुचले लोग रह गए, पछड़े रह गए, उन्होंने उपर चकन का मौका है। 5 साल मैं परमात्मा ने मेरी ड्यूटी लाती, जे कि 5 साल च मैं थोड़ी बहुत भी जिंदगी बदलने च कामयाब हो गया, मेरे ख्याल च जो कर्जा पंजाब ने मेरे सिर चढ़ाया हो थोड़ा बहुत लाने च मैं कामयाब होगा। थोड़े वर्गा थोड़े नाल ट्रेन का टाइम हो गया तो तुम सारे शांति में ट्रेन वाल जाओ, हरी झंडी दिखा के ट्रेन इतने रवाना करा, सुखी संधि जाओ तो सुखी संधि वापस आओ गुरु का आशीर्वाद लेके। सो निरपय श्री राम जी जय।